रचना जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन एंड यू सर? आई एम ऑल्सो वंडरफुल। रचना जी, यू यस टेल सर। मी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? सर माय स्ट्रेंथ इज आई एम डिसिप्लिन्ड एंड टीम स्पिरिट गर्ल एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ माय एडजस्टेबल नेचर। व्हाई यू ऑप्टेड ज्योग्राफी एज योर करियर? सर क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है जो बहुत वैल्यूबल है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये हमारी आसपास की चीजों का अध्ययन करता है, जैसे क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ, हमारा सौरमंडल, जो कि हम रियल लाइफ में उन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं, और ये हमारे प्लेनेट जिस पर हम रह रहे हैं उसका अध्ययन करता है सर। व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक और लेसन इन ज्योग्राफी? सर माय फेवरेट टॉपिक इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और इसमें सर हम पूरे इंडिया का फिजिकल फीचर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, और हम देखते हैं कि भारत में सब तरह के फिजिकल फीचर पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान भी है, हिमालय पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, इसके अलावा थार का मरुस्थल भी है, और द्वीप समूह भी है, और तटीय मैदान भी है, तो सब तरह के फीचर्स है इंडिया में, और यही इंडिया की खूबसूरती है सर। ओके, चलिए अब ये बताइए कि आपको बच्चों को एक डेमो टॉपिक करवाना है तो आप क्या टॉपिक चूज करेंगे आउट ऑफ ऑल दिस? सर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया करवाऊंगी। ओके, तो रिवर्स यस ऑफ सर। इंडिया में कौन से पार्ट की रिवर्स कराएंगे? साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट? सर जैसे शुरू में बच्चों को बताएंगे कि नदी तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि भारत में दो तरह के नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र। और हिमालय नदी तंत्र में सर मुख्य रूप से तीन आते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत में सर दो प्रकार से है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन करके करवाएंगे सर। गोदावरी गोदावरी कहां से शुरू होती है? सर नासिक से शुरू होती है, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से। वेरी गुड, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसकी लेंथ बता सकते हो? यस सर 1465 किलोमीटर सर। 100%। यस सर। ये बताइए, जैसे आपको रिवर्स अच्छे लगती हैं तो यस सर। आपको बच्चों को मैप सिखाने हैं तो आप कैसे यस सर। सिखाते हैं? क्लास में मैप्स बनाना, मैप्स को समझना कैसे सिखाते हैं क्लास में? सर हम बोर्ड पर बच्चों को मैप पहले बना के दिखाएंगे, उसके मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर उनको एक-एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर मतलब लाकर उनसे बनवाने का कोशिश करेंगे सर। ओके, अब जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं वो है ना प्रैक्टिकल में तो बहुत अच्छे हैं मगर थ्योरी में अच्छे नहीं है, यानी कि उनको क्वेश्चंस याद नहीं होते पर प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं ज्योग्राफी में उनके, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे इंटेलिजेंट बनाएंगे? सर उनको हम मैप्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और उनके लिए सर मतलब जैसे कोई प्रोजेक्टर पर वीडियोग्राफी वगैरह दिखा के उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे सर, ताकि ओके, उन्हें थ्योरी बोरिंग ना लगे। राइट राइट। सुनामी के बारे में कुछ बताइए। सर सुनामी मॉनसून शब्द, वो अरबी भाषा का शब्द है सर सुनामी, और ये ओके, सर समुद्र में या जब भूकंप आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठते हैं उनको कहते हैं, और 2004 में सर हिंद महासागर में सुनामी आई थी जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी सुनामी थी। ओके। और स्नो ईटर किसे कहा जाता है, किस विंड को कहा जाता है? क्या सर? स्नो ईटर, SNOW, स्नो ईटर, EATER। आप जानते हैं इस विंड का नाम? यस सर जानते हैं बट अब याद नहीं आ रहा। फोन हाँ जी। फोन है क्या सर? नहीं मैडम, चिनुक, अच्छा हाँ चिनुक सर। ओके सर राइट। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए भाई, वैसे तो आप अच्छा बता रहे हैं। अब आप ये बताइए कि एक ज्योग्राफी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल, और उसको प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए सर, ओके, और ओके।
मतलब बच्चों को उनकी नीड और उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड से भी पढ़ा पाए सर, जरूरत पड़ने पर, और ओके उनको बच्चों की साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए सर। बिल्कुल। यस चलिए जी, अब सर। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज्योग्राफी के प्रति बहुत सीरियस नहीं है, आपको उन्हें ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में, तो आप उनको ज्योग्राफी के बारे सर में कैसे हाईलाइट करेंगे कि ज्योग्राफी बेस्ट सब्जेक्ट है ऐसा? जी सर, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डेली जीवन में भी काम आता है सर। जैसे ओके अगर हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो उसके बारे में हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पर बेस्ड है सर, क्योंकि मिट्टियों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, मौसम के बारे में हम सब जानकारी ज्योग्राफी में ही प्राप्त करते हैं सर। और सर जैसे अभी करंट में जो इश्यू हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, तो उसके बारे में जानकर हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर भी रह सकते हैं सर। ओके okay. अच्छा ये बताइए कि जी नर्मदा सर। रिवर कहां से शुरू होती है? ओके नर्मदा सर अमरकंटक से शुरू होती है मध्य प्रदेश में। यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर। अच्छा अब ये बताइए कि नर्मदा का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम तो, सॉरी सर ये तो नहीं पता नर्बुदा, क्या सर। नर्बुदा, NERBUDDA, नर्बुदा। ओके सर, थैंक यू सर। इसको और किन नामों से जाना जाता है? संस्कृत में इसका मीनिंग क्या बनता है नर्मदा का? संस्कृत में तो, सॉरी गिवर सर, ऑफ प्लेजर। प्लेजर सर। हाँ जी, खुशी, उमंग, मतलब अच्छा फील अच्छा, होना, मतलब एक गिवर ऑफ प्लेजर। और जो मैं ओके पूछ रहा सर। हूं किन नामों से जाना जाता है, तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये भी नर्मदा है सर। हाँ जी हाँ जी, आप सही बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ओके सर। ऑलमोस्ट यू हैव गिवन अ गुड आंसर। हाउ यू फेल्ट विद पीडी क्लासेस, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब 3 दिन में ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर रोज हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं सर। ओके मैडम, आपका काम एक ही था, वो था कि आपने पीडी क्लासेस ज्वाइन किया, अब सारा काम हमारा है, ओके, थैंक आपका काम नहीं है। आपका काम यू है सर। फेथ, FAITH, बस वो विश्वास है, हमारा काम है, हमारा काम है आपको ग्रो करवाना। अभी हमने आज बॉडी लैंग्वेज किया, टुमोरो यस सर। विल गो विद डेमो टीचिंग। हम डेमो ओके टीचिंग सर। इसलिए करेंगे क्योंकि डेमो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ज्यादा डेमो टीचिंग के ही होते हैं। जी सर। और जब मैं आपको डेमो टीचिंग के स्टेप्स दिखाऊंगा तो आप रियल में कहेंगे सर सच में ये बहुत इंप्रेसिव डेमो टीचिंग है। वाकई में अगर डेमो टीचिंग ऐसी की जाए तो दे रियली गेट इम्प्रेस। इवन जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल इंडिया पढ़ते हैं उनको भी डेमो टीचिंग में यही कराऊंगा जो आपको कल करवाऊंगा। उसके बाद में प्रोफेशनल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर्सनल क्वेश्चन आपकी लाइफ के सेटअप करेंगे, दे ओके आस्क वन सर। और टू पर्सनल, तो हमें आने चाहिए। सब्जेक्ट रिलेटेड हम डेली करेंगे, जैसे आज मैंने इंट्रो लिया, थोड़ा इंटरव्यू हम कल भी यस ले सर। लेंगे और उसके बाद अभी इंटरव्यू ही लेने हैं, राइट? तो ओके विल गो विद सर। मॉक इंटरव्यू और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना बहुत अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर।